सरकार लोगों को भ्रमित करना चाहती है। ये लोगों ने हमेशा इस देश में संविधान को माना ही नहीं। ये लोगों का देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं। आर्मी को आप भड़का रहे हो कि आदेश का पालन मत करो। ऐसे में अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो भी वो आपातकाल लगा देते। और बाला साहब ठाकरे के नाम पर मोदी जी भी वोट मांग रहे थे महाराष्ट्र में आकर। सरकार लोगों को भ्रमित करना चाहती है। सरकार जो और प्रश्न है देश में उसके ऊपर से ध्यान हटाना चाहती है। आपातकाल को हो गया 50 साल, एक जनरेशन खत्म हो गई। और यही लोग हैं, ये लोगों ने हमेशा इस देश में संविधान को माना ही नहीं। ये लोगों का देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं। और ये लोग संविधान की हत्या, संविधान वगैरह 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 बोल रहे हैं। इमरजेंसी हमने देखी है। हम उस वक्त कॉलेज में थे। जिस तरह से इस देश में कुछ नेता अराजकता फैलाना चाहते थे वो बहुत गंभीर बात है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था। रामलीला मैदान से खुलेआम बड़े बड़े नेता ये आह्वान कर रहे थे आर्मी को कि प्रधानमंत्री या सरकार का आदेश का पालन मत करिए। ऐसा कभी होता है क्या? सरकार को, आर्मी को आप भड़का रहे हो कि आदेश का पालन मत करो। पुलिस फोर्स को भड़काया जा रहा था कि सरकारी आदेश का पालन मत करो। उसे क्या कहते हैं आप? ऐसे में अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो भी वो आपातकाल लगा देते। 10 साल मोदी जी का सरकार है, दर दिन आपातकाल की स्थिति है। दर दिन कभी मोदी जी के पुलिस आएगी, कभी ईडी आएगी, कभी सीबीआई आएगी, किसी को पकड़ कर लेके जाएगी, कोई बोल नहीं सकता है। आपातकाल यही है। और ये लोग क्या बोल रहे हैं? आरएसएस का तो खुला समर्थन था। आरएसएस प्रमुख थे बाला साहेब देवरस। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, आप रिकॉर्ड चेक करें। इंदुरुदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी, ये नकली शिवसेना को आप कंधे पे लेकर घूम रहे हो ना, इतना शिंदे वाली। और बाला साहेब ठाकरे के नाम पर मोदी जी भी वोट मांग रहे थे महाराष्ट्र में आकर। बाला साहेब ठाकरे ऐसे नेता थे उस वक्त। ये शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने आपातकाल का खुला समर्थन किया था, सपोर्ट इंदिरा जी को खुला समर्थन किया था। मुंबई में इंदिरा जी का स्वागत किया था, आपातकाल का समर्थन किया था। इसलिए कि देश में जो अराजकता फैल गई है उसे नियंत्रण करने के लिए आपातकाल की जरूरत थी उस वक्त। तो उसमें गलत क्या है? आप संविधान हत्या दिन मना रहे हो तो दर दिन मनाना पड़ेगा। 10 साल में जो हुआ है ना आपके कार्यकाल में, आप कौन से संविधान के रखवालदार हो, चौकीदार हो? छोड़ दीजिए,